वेल हेलो गाइस, तो भाई हाजिर हूँ आपके लिए एक और कमाल की जबरदस्त वीडियो लेके। तो भाई आपको एरेंगल मैप के अंदर जितनी भी व्हीकल्स देखने को मिलती है, आज हम उन सभी का स्पीड टेस्ट करने वाले हैं और साथ ही साथ उसका एवरेज टेस्ट करने वाले हैं। यानी कि भाई हम उन सभी व्हीकल की एक रेस लगाने वाले हैं। और गाइस इसके अंदर हमें यह भी पता चल जाएगा कि कौन सी व्हीकल की स्पीड सबसे ज़्यादा है और कौन सी गाड़ी का एवरेज कितना है। यानी कि भाई इससे हमें यह पता चल जाएगा कि कौन सी गाड़ी का पेट्रोल कितना जल्दी और कितनी दूरी पे ख़त्म होने वाला है। तो गाइज हमने सभी गाड़ियों के अंदर पेट्रोल तो फुल कर लिया है और जो हमारा रूट होने वाला है वो होने वाला है ये। यानी कि भाई हम यहाँ जॉर्जो सिटी के पास से जाने वाले हैं। और गाइज यहाँ पर आपको जो पूरा येलो कलर का रूट दिख रहा है गाइज, इसके ऊपर हम गाड़ियों को चलाने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे हमारी सभी की सभी गाड़ियाँ रेडी हो चुकी है, तो अब काउंटिंग को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 लेट्स गो। तो भाई जो हमारी गाड़ी है भाई वो रोड के ऊपर दौड़ना स्टार्ट हो चुकी है। और गाइज इनको थोड़ा बहुत आगे चलने देते हैं, तो गाइज फिर हम स्पीड का टेस्ट करेंगे। यानी कि भाई इनको थोड़ा बहुत आगे चलने देते हैं। और गाइज जहाँ भी एकदम अच्छी सी रोड आएगी, यानी कि जहाँ एकदम सीधा रास्ता आएगा, वहाँ पर हम इनकी स्पीड का भी टेस्ट कर लेंगे। तो गाइज फिलहाल के लिए तो भाई जो गाड़ियाँ है वो अभी काफ़ी अच्छी स्पीड पकड़ने लगी और धीरे धीरे जो गाड़ियाँ भाई एक दूसरे को क्रॉस करने लगी है। और गाइज जो अभी के लिए फ़िलहाल सबसे आगे चल रही है वो चल रही है हमारी बाइक। और दूसरे नंबर पे जो कूप आरवी व्हीकल नहीं आई है भाई, जो न्यू व्हीकल है वो अभी दूसरे नंबर पे चल रही है। और भाई जो डासिया और यूएज है उनके अंदर अभी थोड़ा बहुत ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और गाइस जो बाइक और कूप आरवी व्हीकल है उनके अंदर भी थोड़ा बहुत ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और जो बग्गी है गाइस वो अभी हमारे 5वें नंबर पर चल रही है। और उसी के साथ साथ जो दूसरी बाइक है जो कि साइड कार वाली है वो चल रही है अभी सबसे लास्ट में। तो भाई फिलहाल के लिए तो जो बाइक है वो काफ़ी आगे आ चुकी है और उसी का पीछा करती हुई हमारी कूप आरवी व्हीकल है, वो भी उसके थोड़े बहुत ही पीछे चल रही है। तो भाई फिलहाल के लिए हम काफ़ी आगे आ चुके हैं और गाइज इनकी स्पीड भी मैक्सिमम स्पीड आ चुकी है। तो भाई अब इनकी स्पीड का टेस्ट कर लेते हैं। तो भाई जो बाइक है उसकी स्पीड है 151, यानी कि गाइज अभी भी नंबर वन पे है हमारी बाइक, इसकी मैक्सिमम स्पीड है 151। और जो दूसरे नंबर पे है वो है हमारी कूप आरवी व्हीकल, इसकी मैक्सिमम स्पीड है 149। यानी कि भाई जहाँ पे थोड़ी बहुत ढलान आती है वहाँ पे स्पीड थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट भी करती है, लेकिन गाइज जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है वो है 149। और जो बाइक है वो अभी भी रेंगल मैप की फास्टेस्ट व्हीकल है। और तीसरे नंबर पे आती है हमारी डासिया, जिसकी मैक्सिमम स्पीड है 134। और चौथे नंबर पे है यूएज, जिसकी स्पीड है 131। और भाई हमने एक ही यूएज को इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि गाइज जो यूएज है भाई उन तीनों की स्पीड एकदम सेम है, इसलिए गाइज हमने सिर्फ एक ही यूएज को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो गाइज 5वें नंबर पर आ चुकी है हमारी बग्गी, जिसकी स्पीड है 121। और छठे नंबर पर चल रही है हमारी साइड कार वाली बाइक, तो भाई इसकी स्पीड 110 है, लेकिन भाई जो इसकी स्पीड है गाइज वो फ्लक्चुएट करती रहती है। यानी कि भाई इसकी स्पीड थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन भाई जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है वो है 110। तो भाई हमने इनकी मैक्सिमम स्पीड का तो पता लगा लिया कि कौन सी की स्पीड ज़्यादा है कौन सी की स्पीड कम है। तो गाइज आप फटाफट ये भी देख लेते हैं कि भाई इनका एवरेज कितना होने वाला है, यानी कि गाइज कौन सी गाड़ी का एवरेज कितना ज़्यादा होने वाला है और कौन सी गाड़ी का एवरेज कम होने वाला है। तो भाई फिलहाल के लिए तो इनके अंदर काफ़ी सारा पेट्रोल बचा हुआ है, तो गाइज ऐसे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को ज़रा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं और फिर देखते हैं इनका एवरेज। और भाई ब्रिज पे आने के साथ ही गाइज जो डासिया है उसका पेट्रोल हो चुका है ख़त्म, और गाइज उसी के साथ साथ जो यूएज है भाई उसका भी पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। यानी कि भाई दोनों के अंदर सिर्फ थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, जो डासिया है उसका पेट्रोल ब्रिज के ऊपर पहुंचते ही ख़त्म हो गया और जो यूएज है उसका पेट्रोल ब्रिज पर पहुँचने से पहले ही ख़त्म हो चुका है। तो गाइज इनके अंदर थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है।
और भाई जो हमारी न्यू व्हीकल है कोपार्वी भाई, उसका भी पेट्रोल बस अब खत्म होने वाला है, यानी कि भाई इसके अंदर अभी थोड़ा बहुत ही पेट्रोल बचा हुआ है और भाई कुछ सेकंडों के अंदर ही भाई इसका भी पेट्रोल अब खत्म होने वाला है। तो गाइज इसका भी थोड़ा वेट कर लेते हैं। और गाइज जो कोपार्वी व्हीकल है भाई फाइनली उसका भी पेट्रोल खत्म हो चुका है। और गाइज जो उसका पेट्रोल भाई यहाँ पे मिलिट्री बेस की पीछे की साइड इसका पेट्रोल खत्म हो चुका है। तो भाई अभी के लिए तो हमारी डासिया और कोपार्वी व्हीकल और जो यूएज है भाई उन तीनों का पेट्रोल खत्म हो चुका है, यानी कि भाई छठे नंबर पर आ चुकी है हमारी यूएज और पाँचवें नंबर पर है डासिया और भाई चौथे नंबर पर है हमारी कोपार्वी व्हीकल। और भाई जो ऊपर तीनों गाड़ियाँ चल रही है भाई उनका पेट्रोल अभी भी काफ़ी सारा बचा हुआ है, तो भाई इनको भी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी से इसका भी एवरेज देख लेते हैं। और गाइज यहाँ पे जो बाइक और बग्गी है भाई दोनों का पेट्रोल खत्म हो चुका है, तो गाइज दोनों का पेट्रोल एकदम साथ ही खत्म हुआ है। तो गाइज जो बग्गी है भाई उसका पेट्रोल यहाँ पे रोजे के ऊपर खत्म हो चुका है और जो बाइक है गाइज उसका पेट्रोल यहाँ पे जोरजो सिटी पे आने के बाद खत्म हुआ है। तो भाई जो बाइक है गाइज वो काफ़ी दूर तक आ चुकी थी, यानी कि गाइज जहाँ से हमने बाइक को चलाया था भाई वो वहाँ पहुँचने ही वाली थी, तो भाई थोड़ा ही उससे पीछे इसका पेट्रोल खत्म हो चुका है। और गाइज जो हमारी आखिरी व्हीकल बच चुकी है वो है हमारी साइड कार वाली बाइक, तो भाई अभी इसके अंदर भी थोड़ा बहुत पेट्रोल बचा हुआ है, तो गाइज इसको भी फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेते हैं। तो गाइज फाइनली इसका भी पेट्रोल खत्म हो चुका है, यानी कि भाई यहाँ पे रोजक पे आने के बाद भाई इसका भी पेट्रोल एकदम खत्म हो चुका है। तो भाई अब फटाफट इनके रिजल्ट को भी देख लेते हैं। तो गाइज नंबर वन पे आती है हमारी बाइक, तो भाई जो बाइक है उसने काफ़ी लंबा रूट तय किया है, तो गाइज इसलिए ये नंबर वन पे है और भाई ये स्पीड के अंदर भी नंबर वन है। और गाइज जो दूसरे नंबर पे आती है भाई वो है हमारी साइड कार वाली बाइक, लेकिन भाई ये स्पीड के मामले में छठे नंबर पे आती है और एवरेज के मामले में है दूसरे नंबर पर। और इसी के साथ हमारी तीसरे नंबर पर आती है बग्गी, तो गाइज बग्गी ने भी काफ़ी लंबा रास्ता तय किया है, यानी कि भाई जो साइड कार वाली बाइक है उससे थोड़ा ही पीछे रह चुकी है ये। और गाइज चौथे नंबर पे आ चुकी है हमारी कोपार्वी व्हीकल, तो गाइज इसने यह वाला रूट तय किया, यानी कि भाई इसने सिर्फ इतनी दूरी तय की है। और पाँचवें नंबर पर है हमारी डासिया जो कि यहाँ पर ब्रिज पर आके रुक चुकी थी। और छठे नंबर पर है यूएस, तो गाइज जो यूएस है भाई वो यहाँ पर ब्रिज पर आने से पहले ही रुक चुकी थी। तो गाइज़ फाइनली हमने स्पीड टेस्ट और भाई एवरेज टेस्ट का पता लगा लिया है, तो गाइज़ आपको स्क्रीन के ऊपर इनके रिजल्ट दिख रहे होंगे, तो आप एक बार यहाँ पे भी इनके फाइनल रिजल्ट को देख सकते हो। तो गाइज उम्मीद करता हूँ भाई आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर भाई आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और भाई अगर आपको कुछ पूछना हो तो गाइज आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।